सो गाइज, हमारा ये जो फ्लैट था वो होल्डिंग हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अभी यहाँ पे आपको थोड़ा एक मार्किंग दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा गाड़ी, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर्स की टीम वाले ये लग गए हैं। सो एज यू कैन सी, दिस इज द राइट हैंड साइड रियर सीट। एंड अभी ये जो किक है ये अभी इसको लग रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइगर सुशील व्लॉग्स। सो गाइज, दिस इज़ द डे टू ऑफ इंस्टॉलिंग आवर कैफे रेसर रियर सेट, आई मीन R15 रियर सेट। तो अभी मैं आ गया था यहाँ पे 11:30 बजे पहुँच गया था, एंड अभी गाड़ी का काम शुरू हो रहा है। अभी 12 बज रहे हैं। अभी मैं थोड़ा पहले गया था मेरा दो पार्ट का थोड़ा सा वेल्डिंग कराने, काट दिया है, एंड अभी थोड़ा सा चल रहा है काम। एंड दूसरा फुटप्रेस हमने खोला नहीं था तो उसको भी अभी कटिंग चल रहा है उसका। देन देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट आता है। ये सब हीट एंड ट्रायल मीटर पे बेस्ड है, तो आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कि कैसे क्या लगा रहा हूँ जो फुटप्रेस। तो चलते हैं गाड़ी के पास और देखते हैं। तो इसको अभी हम काट देंगे एंड यहाँ पर फ्लैट जोड़ के इसको इंस्टॉल करेंगे। तो कैसा क्या इंस्टॉलेशन होता है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। फ्लैट था वो होल्डिंग हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अभी यहाँ पे आपको थोड़ा एक मार्किंग दिखाई दे रहा होगा। अभी इसको हमने मार्क कर दिया है कि कहाँ से काटना है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा हिस्सा है ये हमको नहीं चाहिए। एंड ये जो ये हमारा पायलट बॉक्स है ये थोड़ा काला पीला पड़ गया था, यहाँ पर होल्डिंग हुआ इसलिए। एंड इसको अभी यहाँ से ऐसे काटेंगे एंड नीचे वाला सेक्शन भी थोड़ा डिलीट करेंगे। एंड इसको एकदम मतलब स्मूथ फिनिशिंग देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी गंदा दिख रहा है। एज यू कैन सी, तिरछा वेल्डिंग किया हुआ प्लेट। सो इसको अभी थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे एंड ये जो सारे वेल्ड्स है इसको भी थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे। ओके, तो ऐसा कुछ है। इसको अभी निकाल दिया है क्योंकि ये वाला जो पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पहला पार्ट है ये हमारा भी मतलब वो जो फुटरेस्ट के जगह पे अड़ रहा था, सो उसको भी अभी कटिंग कर देंगे। देन उसके बाद इस वाले सेक्शन का भी यहाँ पे दो ड्रिल करना है होल, जैसे उस सेक्शन का किया था। देन उसके बाद इसको अभी फुटरेस्ट के साथ, गियर के साथ, लिंकेज रॉड के साथ लगाना है। तो अभी बहुत सारा काम है। सो गाइस, इतना सब देखने के बाद भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसे मॉडिफिकेशन वाले कंटेंट आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं दिखने को मिलेंगे जैसे मेरे चैनल में दिखने को मिलेंगे। एंड आपका अगर RX अगर आपका फेवरेट बाइक है, सो हिट ए लाइक फॉर दिस वीडियो। एंड इतना सारा काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट अगर दिखाओगे तो ऐसे और भी सारे बहुत मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ मैंने आगे। एंड अभी शंकर भाई ड्रिल लेके आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा छेद करना है, तो देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस जाता है, देन फाइनल आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। One eternity later. So guys, ये देखो कटर का हालत, ये यहाँ से पूरा खराब हो गया था। देन ये जो ये ड्रिल दो पड़े हैं ये वो भी खराब हो गए हैं, ये ड्रिल वो जो मशीन में लगता है एंड ये कटर, ये दोनों खराब हो गए। गाइस, काम अभी तक 30% कंप्लीट हुआ है। देन उसके बाद हमारा जो ब्रेक पेडल के बाद हमारा फिर होगा हमारा जो गियर शिफ्टर है। सो वो हो जाने के बाद एक दो दिन टेस्टिंग में रहेगा, देखते हैं कैसा क्या होता है एक बार काम। देन उसके बाद 2-3 दिन टेस्टिंग में रहेगा, सो उसके बाद पूरा फाइनल करेंगे कि हाँ ये लग गया है। R15 का भी फुटरेस्ट, वो भी रेसिंग वाला एल्यूमिनियम वाला, वो भी RX में लगा सकते हैं। सो गाइज, दैट्स इट।
अभी वो कटर लेने गए हैं क्योंकि कटर का हालत बहुत ख़राब हो गया था, कटर ख़राब हो एंड आज का मौसम क्लाउडी हो रहा है। आई होप ज़्यादा बारिश मत हो अगर तो अच्छा होगा, क्योंकि इसका अगर मैं इसको घर पे लेके जाऊंगा इसके पीछे मड़गड़ वगैरह कुछ नहीं है तो सारा कीचड़ उछल के सीधा मेरे ऊपर आता है। हालांकि शुक्र है कि मैं हमेशा बैग कैरी करता हूँ, वो रखा है मेरा बैग, सो बैग सारा झेल लेता है जितना भी सब मिट्टी कीचड़ मेरे ऊपर आता है। एंड डिड यू नोटिस हमारा दूसरा बाइक भी इधर है, सो इसको मैंने कल ड्रॉप कर दिया था ब्लैकहेड कस्टम में एंड मेरे फ्रेंड शाश्वत के साथ चला गया था, देन इसको आज लेके आना पड़ा क्योंकि कोई नहीं था हमको ड्रॉप करने के लिए। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द राइट हैंड साइड रियर सेट एंड अभी ये जो किक है ये अभी इसको लग रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड ये जो हमने बनाया है ये जो रॉड जाके ये जो ब्रेक ये बहुत ही मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे ही हमने थोड़ा लगा के देखा तो ये काम नहीं कर रहा, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ से लेके कंपनी आउटफिट जैसे कुछ करना पड़ेगा लगता है, उसको बाद में देखेंगे। पहले हम इस तरफ ये गियर वाला पहले देख लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शंकर भाई कैसे हो? बढ़िया मस्त। मुंह दिखाना एक बार इधर, शंकर भाई का मुंह अभी डिलीट हो गया है। कल शंकर भाई के साथ एक भयानक हादसा हुआ है। तो अभी ये जो हमारा जो पार्ट है ना ये अभी आप देख सकते हो, फोकस कर लेता हूँ, ये अभी मैंने वेल्डिंग करके लगाया क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा था। ओके, सो इसके वजह से गियर ठीक से नहीं डल पा रहा था, इसको वेल्डिंग किया एंड एक पार्ट है वो जो लिंकेज रॉड है आता है उसको भी थोड़ा सा वेल्डिंग किया है। तो ऐसा कुछ अभी नट लगा दिया ना भाई ने, ऐसा कुछ अभी आएगा। ओके, तो गाइस शंकर भाई अभी टेस्टिंग कर रहे हैं फुट पैक का, लव जी। One eternity later. So guys, ये हमारा गाड़ी एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर्स के टीम वाले ये लग गए हैं एंड ये पीछे का टायर भी मैंने चेंज कर दिया है। सो ये हमारा है फुट पैक, ये थोड़ा सा मुड़ गया है पे, यहाँ पे ये दो ड्रिल करके लगा हुआ है एंड ये देखो ब्रेक का सिस्टम, यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे एक पट्टी है, यहाँ पे पूरा एक वायर जाता है नीचे जाता है नीचे, यहाँ पे ब्रेक लगा, इसको उल्टा करके ये कैम को हमने उल्टा करके ट्राई किया बट नहीं लगा एंड फाइनली ऐसे कुछ ओल्ड स्टाइल में लगा हुआ है ब्रेक। आगे वाला ब्रेक होता है गाड़ी का मतलब वायर से, अभी पीछे वाला वायर कर दिया है हमने, आगे वाला तो डिस है एंड यहाँ पे गियर पोजीशन गियर शिफ्टर भी कुछ ऐसा बनाया है, गियर पोजीशन ठीक से लगा हुआ है जो मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है। ये देखिए आप फोकस अभी कर पा रहा होगा, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है जैसे कि ये आगे पीछे ना हो, ये पहले वेल्डिंग नहीं होता था तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है एंड यहाँ पे गैलन की बोल्ट है, यहाँ पे एडजस्टर है, ये पूरा एल्यूमिनियम का रॉड है, ये पीछे जाके कनेक्ट होता है जैसे R15 में होता है ये वही है। ओके, यहाँ पे एक एलएन की बोल्ट है, यहाँ पे एलएन की नहीं पकड़ा तो नॉर्मल बोल्ट लगा दिया, थोड़ा सा और दिख रहा है बट इट्स ओके। एंड यहाँ पे एक्सटेंडर प्रोटेक्टर है, ये यहाँ पे गियर यहाँ पे चेंज होता है तो ऐसा दिखता है कुछ। एंड गाड़ी यहाँ पे बहुत 2-3 दिनों से खड़ा है, चला भी नहीं है तो इसलिए इतना गंदा है एंड इंडिकेटर्स भी हमने लगा दिए थे। तो इसका अगर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता दो कि कैसा क्या लगा है, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा 3-4-5 मिनट में का होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ये यहाँ पे कैसे लगा है। पीछे का लुक कुछ ऐसा आ रहा है फुटपैक के साथ। सो गाइस दैट्स इट, यही था वीडियो में, आई होप वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। सो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो राइड का वीडियो होगा, नो टॉकिंग ओनली राइड प्योर साउंड। ओके तो गाइस रखता हूँ, बाय बाय।